अर्चना, वेलकम टू आइज रेसिपीज। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपको मेरे नए वीडियो देखने को नहीं मिले होंगे। उसके पीछे कारण है कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी और पिछले महीने में उसका स्वर्गवास हुआ, सो मेरा मन बहुत दुखी था और मैं नए वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ जिसका नाम है कद्दू का हलवा, जो कि बहुत ही हेल्दी है, कम समय में, कम घी में और कम शक्कर में बनता है। तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कद्दू लिया है, जिसे अच्छे से धोकर उसके पीछे के छिलके निकाल लिए हैं और इसे किसनी से कद्दूकस करना है। आधा लीटर फुल फैट दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता कतरन, काजू कतरन और किशमिश, शुद्ध घी है 2 चम्मच, इलायची पाउडर और जायफल लिया है। सबसे पहले हम दूध को फ्राई पैन में डालकर गाढ़ा होने के लिए गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं और गैस की फ्लेम स्टार्टिंग में हाई पे रखेंगे और जैसा दूध बॉईल होना शुरू होगा गैस की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम कर देंगे। दूध यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तब तक हम कद्दू को किसनी से कद्दूकस कर लेते हैं। अब हम कद्दू को किसनी से कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से पूरा कद्दू हम कद्दूकस कर लेंगे। हमारा कद्दू ग्रेटेड हो गया है। अब इसे हम किसी भी एक कटोरी से इसे नाप लेंगे और उसके हिसाब से हम शक्कर भी नाप के डालेंगे। ये एक कटोरी, ये 2 कटोरी और ये 3 कटोरी हमारा ग्रेटेड कद्दू है। अब इसके हिसाब से हम हाफ यानी 1.5 कटोरी शक्कर डालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा कम मीठा खाती हूँ इसलिए मैं 1 कटोरी ही शक्कर डालूँगी। आप जैसे मीठा खाते हो उसके अनुसार आप शक्कर डालना। एक तरफ हमारा दूध बॉईल भी हो रहा है, अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। हमारा ग्रेटेड कद्दू 3 कटोरी था इसलिए मैं इसमें दूध में 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। धीरे धीरे शक्कर डालना है और हिलाते जाना है। दूध को हमें काफ़ी गाढ़ा करना है तो फ्राई पैन थोड़ा बड़ा लेना, और बड़ा फ्राई पैन नहीं होगा तो आप अच्छी बड़ी कढ़ाई लेना और हाई फ्लेम पर दूध को उबालना है ताकि हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा होगा। मेरे यहाँ पे शक्कर का दाना मोटा है और मोटे दाने वाली शक्कर ज़्यादा मीठी होती है तो वो कम लगती है, इसलिए मैंने 1 कटोरी में से भी थोड़ी सी शक्कर बचा के रखी है। यानी आप समझ लो कि मैंने 3/4 कटोरी ही शक्कर डाली है। तो आपके यहाँ पे जैसी शक्कर होगी, बारीक दाना होगा तो कम मीठी होती है शक्कर, बड़ा दाना होगा तो ज़्यादा मीठी होती है। तो आपके शक्कर के दाने के हिसाब से शक्कर डालिए। अब ये दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम दूसरे तरफ गैस पे कढ़ाई रख के इस ग्रेटेड कद्दू को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे घी डालकर। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, उसमें मैं घी डाल रही हूँ। थोड़ा घी बचा के रखूँगी जो कि मैं बाद में लास्ट में डालूँगी। अब इसमें हम कद्दू डालकर इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी का अंश होता है वो सूख जाएगा। देखिए, दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम कर देते हैं और बस 1 मिनट में हम गैस बंद ही कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम इस कद्दू को भून रहे हैं। देखिए, कद्दू को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हुआ है, कद्दू काफ़ी नरम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम प्लेट ढककर इसको 2 मिनट के लिए और स्टीम होने देंगे ताकि और इसको अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ये प्लेट निकाल के कद्दू को देख लेते हैं एक बार। कद्दू अच्छा नरम भी हो चुका है और उसका पानी भी काफ़ी सूख गया है। अब इसको बिना प्लेट से हम 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पर कद्दू को अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ हमारा दूध भी अच्छा गाढ़ा हो चुका है
तो आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, एक तरफ दूध को गाढ़ा करना और दूसरी तरफ कद्दू को अच्छे से घी में भून लेना है। लेकिन दोनों तरफ आपका ध्यान रखना और दोनों हाथ चलाते रहना ताकि दूध नीचे लग नहीं जाए। तो अब ये कद्दू अच्छे से भून चुका है, दूध के नीचे का गैस बंद है। अब हम ये गाढ़ा दूध जो है वो इस कद्दू में डाल देंगे। उसके पहले ये मेरा कद्दू ऑरेंज कलर का नहीं है, थोड़ा येलोइश कलर है, तो इसमें मैं खाने का जो ऑरेंज कलर होता है वो थोड़ा सा डालूंगी। यदि आपका कद्दू अच्छा ऑरेंज कलर का होगा तो कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऑरेंज कलर की पाउडर है, इसको मैं बिल्कुल 1 पिंच इसमें डालूंगी ताकि कद्दू को अच्छा ऑरेंज कलर दिखाई देगा। यदि आपके यहाँ कद्दू अच्छा केसरिया मिल गया तो आपको ये कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये गाढ़ा किया हुआ दूध मैं इस कद्दू में डाल रही हूँ। दूध गाढ़ा होने के लिए आधा घंटा लगा और इधर हमारा कद्दू भी अच्छे से भून चुका, यानी ये बहुत जल्दी हलवा बनता है और हेल्दी भी है। दूध डालने के बाद 1-2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से और खिलाते रहेंगे और फिर बाद में गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये कढ़ाई में हम काजू कतरन, काजू की टुकड़ी थी उसको मैंने और बारीक थोड़े से कूट लिया है, और ये किशमिश हम गरम इसमें ही डाल देंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। देखिए दूध डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से खिलाते रही और ये अब अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सर्विंग बाउल में निकालना है। देखिए हमारा ये कद्दू का हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और थोड़ा सा घी ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो घी डालिए, आप कम खाते हो तो घी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जायफल, इलायची और घी ऊपर से डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो अब इस हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से हम पिस्ता कतरन डालेंगे। बहुत ही अच्छा हेल्दी हलवा आज सिर्फ आधे घंटे में हमारा तैयार हो जाता है। अब इसमें सिर्फ ऊपर से मैं ये पिस्ता कतरन डाल रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं और टेस्ट भी इसकी अच्छी आती है। तो दोस्तों है ना ये बहुत अच्छा हेल्दी हलवा जो कि हम स्वीट डिश के रूप में भी खा सकते हैं और व्रत के दिन भी हम इसे बना सकते हो। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। दोस्तों हमारा ये कद्दू का हलवा तैयार हो गया है। अब जरा इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। वाह बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसमें जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, लेकिन इलायची और जायफल जरूर डालिए क्योंकि इन दोनों की टेस्ट बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दोस्तों आप इसे कभी भी बनाकर आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को खिलाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सबको बहुत पसंद आएगा और व्रत के दिन तो इसे ज़रूर बनाइए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिए। मेरा आइस रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।